सागर धनखड़ हत्याकांड में फंसे ओलंपियन सुशील कुमार को जिस किसी ने देखा होगा निश्चित तौर पर उसकी शराफत के अंदाज को देखकर कायल हो गए होंगे। सुशील की ख्याति के बारे में जानने वाले आम लोग उस पर नाच करते हैं, जबकि बहुत कम लोग उसके पर्दे के पीछे के चेहरे के बारे में जानते होंगे। अब लोग सुशील के पर्दे के पीछे के चेहरे को जब जानेंगे तो उन्हें हैरानी होगी। पुलिस सूत्रों की माने तो पिछले 5-7 सालों से सुशील दिल्ली व हरियाणा समेत आसपास के राज्यों के गैंगस्टरों से संबंध गांठकर कई तरह की अवैध गतिविधियों में लिप्त हो गया था। बता दें कि कुश्ती के क्षेत्र में देश में सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त करने के कारण उसकी तूती बोलने लगी थी, इसीलिए उसकी आड़ में उसके कारनामे छिपते रहे। कभी किसी ने उस पर उंगली नहीं उठाई, जिसने उठाई उसकी सुनी नहीं गई। छत्रसाल स्टेडियम को सुशील ने किसी भी तरह के विवादित मामलों को सुलझाने के लिए पंचायत का अड्डा बना रखा था। पुलिस का कहना है कि पश्चिमी व बाहरी दिल्ली के साथ ही हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों के कई पहलवान कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, असौदा नीरज बवानिया, सुंदर भाटी, अनिल दुजाना आदि गैंगस्टरों से जुड़े हैं, जिसमें से कई सुशील को रोल मॉडल मानते हुए उससे जुड़े हुए हैं। बता दें कि सुशील खेल की दुनिया से अलग होकर कमाई के मकसद से गैंगस्टरों से धीरे धीरे नज़दीकी बढ़ाकर अवैध गतिविधियों में संलिप्त हो गया था। दरअसल सुशील के दिल्ली व हरियाणा पुलिस के कई अधिकारियों से बेहतर संबंध है, साथ ही ऊंची राजनीतिक पहुँच भी है, इसीलिए गैंगस्टर भी उससे फायदे के लिए जुड़े हैं। सुशील के बेहतर संबंधों का वो कहीं ना कहीं लाभ उठाते हैं। स्पेशल न्यूज़ डेस्क नवदीप टुडे दिल्ली।